अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अभी ये शाम का वक्त है और मेरे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो उनके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर रही थी मैं। तो बस ये चाय बनाई थी और साथ कुछ स्नैक्स वगैरह मंगवाए थे बाहर से ही। तो बस अभी मेहमान जाएंगे तो फिर मैं जाना ग्रोसरी करने। तो बस ये अभी चाय पी के फिर चले जाएंगे ग्रोसरी करने। महीने का स्टार्ट है और मैं जो है मंथली ग्रोसरी करती हूँ, क्योंकि फिर पूरा महीना सुकून से गुजर जाता है सब कुछ घर पे पड़ा हो तो। चाय भी डाल दी मैंने केटल में और बस। ये फिर मैं गई थी वहाँ, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया जाते हुए भी, और वहाँ भी मैंने कुछ शूट नहीं किया। बस अभी ग्रोसरी करके आ गई थी, तो कुछ बस अपनी ग्रोसरी आपको दिखा दूँगी क्या क्या लाई हूँ मैं। ये केक रस लाई थी और ये कुछ प्लेटें लाई थी मैं, छोटी भी लाई थी और कुछ बड़े साइज में भी लाई थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो घर में यूज़ करने के लिए मैं ले आई। और ये दूध का कार्टन था मिल्क पैक का, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स थी, मसाले हैं, ये हेयर कलर है। ऑयल का कैन था, फनाइल वगैरह थी, और एग्स तो मैं काफ़ी सारे लाई थी क्योंकि इस्तेमाल होते हैं। वैसे भी सर्दियाँ हैं तो कभी सूप बन रहे होते हैं, कभी कुछ मेहमान आ जाए तब भी बॉईल कर देती हूँ मैं। वैसे भी खुद भी घर में बहुत इस्तेमाल होते हैं तो इसलिए मैं ये 4 दर्जन लाई थी। ये और ये रोटियां लपेटने के लिए रुमाल लाई थी, हम इसको दस्तरखान कहते हैं रोटियों का, ये मुझे अच्छा लगा, ये ले आई एक। और बाकी वही रोज़मर्रा की चीज़ें, और ये सर्दियों की ख़ास चीज़ ये 7 डे क्रीम है, हाथों पाँव के लिए, बच्चों के लिए भी और अपने लिए मैं यूज़ करती हूँ। इससे काफ़ी हाथ सॉफ्ट हो जाते हैं, मेरे हाथ सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत रफ़ हो जाते हैं, जैसे बहुत ही सब्ज़ी वगैरह काटूँ तो काले से हो जाते हैं, इसलिए ये रात को लगा लूँ तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये मुझे किसी ने बताया था वाटिका का शैम्पू हेयर बाल के झड़ने के लिए ना, हेयर फॉल के लिए, तो ये मैं उसके लिए लाई थी। बाकी वही सरफ वगैरह और ये फ्रोज़न कुछ मटर और चिप्स वगैरह लाई थी, फ्रेंच फ्राइज़। बाकी ये बच्चों के स्नैक्स हैं, कुछ बिस्किट हैं। और ये पॉपकॉर्न है, सर्दियाँ तो इस तरह की चीज़ें तो खाने में बड़ा मज़ा आता है, तो ये भी मैं ले आई थी। और बाकी कुछ दालें वगैरह, और ये सेफ्टी पिन मुझे बड़ी अच्छी लगी, कलरफुल सी थी, तो ये भी मैं ले आई। फेस वॉश है, ये पॉन्ड्स का ही मैं लाती हूँ हमेशा, कुछ नींबू वगैरह स्पेक्टीज हैं। जायफल जावित्री भी मैं ले आती हूँ, बिरयानी वगैरह कोरमा कुछ बनाना हो तो मैं ये डिब्बे के मसाले यूज़ नहीं करती, घर के ही अपने मसाले बनाती हूँ, अपने मसाले जैसे घर के ही डालती हूँ, तो
उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है चीज़ का टेस्ट, बस वो आदत है। तो अब डिब्बे के मसाले मज़ा ही नहीं आता, डाल भी दूँ तो ना चीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और ये पॉपकॉर्न ही थे, ये उस पे टॉफ़ी सी बनी हुई थी, पता नहीं गुड़ लगाया हुआ था शायद इन्होंने, शक्कर वगैरह। और ये लिप बाम है वैसलीन का, ये बहुत अच्छा है, एक दफ़ा लगाएं तो होंठ इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये बच्चों के नूडल्स और पास्ता, बस यही कुछ, केचप मायोनीज वगैरह। और ये मेरे बेटे के स्कूल में स्पोर्ट्स गाला हुआ था, हर साल होता है उनका सर्दियों में, तो कुछ उसकी वीडियो थी मेरे पास, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूं। ये जो गेम है इसमें मेरा बेटा विन हुआ था, फर्स्ट प्राइज़ लिया उसने। ये सबसे पहले जो भाग के जाएगा ये मेरा बेटा है, ये जो चला गया और वो सबसे पहले पहुंच भी गया, तो इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो काफ़ी खुश था वो, ये आगे पिक्चर भी दिखा रही हूँ आपको। और बाकी ये कुछ बच्चियाँ थी, उनकी गेम्स वगैरह भी थी। तो ये वेकेशन से पहले हुआ था सर्दियों की, स्पोर्ट्स इनकी स्पोर्ट्स गाला होता है, फिर उसके बाद जो है एग्ज़ाम होके फिर छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो बस मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियोस डालने का। कुछ मसले मसाइल चल रहे थे ख़ानदान में, बहुत ज़्यादा फोतियाँ हो रही थी इन दिनों हमारे ख़ानदान में, तो बस वक्त ही नहीं मिला, मैंने काफ़ी वक्त से वीडियोज़ नहीं डाली। तो अभी मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। तो यहीं तक थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।